पत्थर को लंबाई में लगा भाई। ओ भाई हाथ ना हटा भाई जी, हाथ ना हटा भाई जी, लंबाई में तो क्या हुआ आपके? हाँ ना भाई जी, जहरीला है भाई जी को पता होगा, चंद भाई जी हाथ पकड़ भाई, इनको खतरनाक आदमी है यार, इन तो पहली बार देखा। कौन सा जहरीला है? ये शिकारी सांप है, तो कुछ खा भी रखा इसने। और आज आश्रम में आ गया था, इसमें चूहे और मेंढक जरूर होंगे, इसके पेट में मेंढक है आश्रम में खाना है। और ये मादा है, इससे खतरा कुछ नहीं है, कांटे का भी कोई कुछ नहीं होने का, और बहुत शर्मीला सांप है। यदि जंगल में पूरी दादागिरी करते हैं सांप, ये इधर अगर छोड़ेंगे तो ये पीछे भागता है, सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। भाई मनीष जी का धन्यवाद जो सांप नहीं मारा, सुना था कि भाई सांप नहीं पालने चाहिए, मनी भाई के आश्रम में सांप भी पल रहे हैं। ये मादा है, ये इसने दो या तीन मेंढक या चूहे खा रखे, और जब इसको जंगल में छोड़ा जाएगा तो काफी हमलावर हो जाता है ये। अभी ये बड़े आराम से पकड़ में आ गया, ये शिकारी सांप है, इंद्राश्रम में आ गया था। अगर देख लिया गया रात को, अगर किसी बुजुर्ग को दिख जाता डर के मारे, उनके प्राण निकल सकते थे। सतर्क रहते हुए मनीष भाई ने इसकी सूचना मेरे को दी, खतरनाक नहीं है इसलिए इसको नज़दीक ही छोड़ा जा रहा है। तो इसकी मैं आपको हरकत दिखाता हूँ, कैसे करेगा ये, कैसे हमला करता है। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है। इसको इसके प्राकृतिक पास में छोड़ दिया गया, आज मौसम थोड़ा ठंडा है और कल रात बारिश पड़ी थी, तो सांप घरों में निकल सकते हैं। आप थोड़ा सावधान से रहें, छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों को अंधेरे में मत निकलने दें, उनका ध्यान रखें। धन्यवाद।